कहानी, क्या वो डॉग बहुत बड़ा था? बहुत बड़ा और बहुत भयानक, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने उसके मालिक को बहुत सुनाया। इसने आप पे अटैक तो नहीं किया ना? अगर वो बंदा ना होता तो कर देता, लेकिन उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ। आनी, अगर मैं आपके साथ होता ना, मुझे खींच के पत्थर मारता, वो भाग जाता। अगर तुम आनी के साथ होते ना, तो तुम तो खुद डर जाते। नहीं जी, अब मैं ब्रेव हो चुका हूँ। आयान आजो, तुम लोग नीचे जरा दादी के पास जाओ। बट हम तो आनी से बातें कर रहे हैं, हम दादू के पास क्यों जाएं? बहुत ज्यादा जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? जाओ नीचे, मैंने मारुख से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मामा। अपना सामान बांधो, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। कहाँ? दारुलमान। और अगर दूसरी बार वहां से भागने की कोशिश करो तो यहां मत आना, कहीं और चली जाना। इसकी वजह पूछ सकती हूँ? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाना। इस टाइम कहाँ जा रही हो? मैं अभी इसी वक्त मारुख को दारुलमान छोड़ने जा रही हूँ। अरे रात के इस टाइम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अभी तो उनका वहाँ पे स्टाफ भी मौजूद नहीं होगा, और तुम भूल रही हो कि पुलिस ने उसे हमारे हवाले किया है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं पेपर्स बनवा चुकी हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आलिया मेरी। आलिया जी बिल्कुल ठीक कह रही है इब्राहिम साहब, और वैसे भी एक ना एक दिन तो मैंने यहाँ से जाना ही है। सच पूछे तो अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन हाँ जाने से पहले एक दफा अम्मी और बच्चों से जरूर मिलना चाहती हूँ। अम्मी तुम्हें रुखसत करने की इजाजत मुझे दे चुकी है, और बच्चों से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगी। बस अब तुम चलो मेरे साथ। आलिया देखो, इस वक्त वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर होगा कि तुम सुबह तक वेट कर लो। मैं वैसे भी दारुलमान नहीं जाना चाहती, अगर मुझे वहाँ रहना होता तो मैं पहले वहाँ से क्यों भागती? लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी, आज रात को ही आप लोगों की जिंदगियों से चले जाऊंगी। मारुख रुक जाओ। देखो मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के दरमियान अचानक क्या हो गया, लेकिन मैं किसी को इतनी रात गए अपने घर से जाने नहीं दूंगा। इब्राहिम साहब मैं अच्छी खासी समझदार हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, अब बेफिक्र हो जाए। और वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही है ना, तो फिर आज से क्यों ना सही। मुझे पूरा यकीन है कि इस घर से बाहर की दुनिया में भी आप लोगों जैसे अच्छे लोग जरूर होंगे जो मुझे सहारा देंगे। चलो ये पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। आलिया ये तुम क्या कर रही हो? कुछ गलत नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मारुख मारुख प्लीज रुक जाओ। जाने दो इसे इब्राहिम। आलिया तुम्हें क्या हो गया है? किसी की बेटी को रात के इस वक्त घर से निकाल देना सही बात है क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या तुम भूल गई हो ये हमारे पास अमानत है? इसका यहां से चले जाना ही बेहतर है हम सबके लिए। आलिया अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। इब्राहिम प्लीज इस बात को यही खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, खत्म कर देता हूं। इब्राहिम इब्राहिम